अस्सलाम वालेकुम। आज ब्लॉगिंग हो रही है रात में, क्योंकि 7 तारीख से जो मेरा सफर चालू था आज सुबह खत्म हुआ है। और क्या हुआ पता है, बोरीवली उतरने की जगह पे दादर पहुंच गए। इतने थके हुए थे कि हम रात को 1 बजे ट्रेन में सो गए, तो बोरीवली की जगह हम पहुंच गए दादर, और फिर से वहां अप डाउन करके आए और घर आके इतनी थके हुए थे कि सो गए। और फिर आफ्टरनून में उठी तो सारे घर की सफाई वफाई करी, क्योंकि कल 11 तारीख थी हमारी कोर्ट की ईयरिंग थी। तो अभी हमारे एडवोकेट का फ़ोन आया है कि कल ईयरिंग 1 हफ्ता आगे होगी डिले। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मैं उसी की तैयारी कर रही थी। कल हमको जो आपको भी सबको पता है कि क्या चीज़ का केस का जो चल रहा है। और मैं आपको एक बात स्पेशली बोलना चाहूँगी, कौन सा केस नंबर है हमारा? 354 लेडीज पे होता नहीं है, लेडीज पे मोस्टली जेंट्स पे जो लड़ाई झगड़ा गाली गुलौज बदतमीजी का ये केस बनता है। तो उन्होंने लास्ट टाइम बोला था कि मेरे ऊपर ये केस फर्स्ट ऑफ ऑल बना है अयूब के ऊपर, बट उनकी वाइफ भी साथ में थी। ये वहां पे क्लियरली FIR में लिखा है कि उनकी वाइफ भी साथ में थी, तो इसीलिए मुझ पर ये केस लगा है। बट 354 लेडीज पे केस नहीं बनता है। तो इंशाल्लाह मैं क्रॉस केस तो करूंगी ये सब क्लियरिंग होने के बाद, और इंक्वायरी तो बिठाऊंगी जरूर, क्योंकि ये केस है झूठा। ठीक है, अब रही हमारी जो जिंदगी की बातें और कल की बातें, और बड़े शो मैं एक्चुअली ब्लॉगिंग करने बैठ ही रही थी, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें क्लियरिंग करना था। क्लियर ना, मेरे को किसी से सवाल जवाब नहीं करना था, मैं खुद ये चीज को अब बंद करना चाहती हूँ। मैं खुद देखना चाहती हूँ कि बिना सायरा सत्तानी, आप बोलते हो ना सायरा सत्तानी का नाम मुझे नहीं चाहिए, तो मैं बहुत सारी आप ही की बातें लेकर बात करना चाहती हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या बोला कि पहले आप मेरा नाम किसी चीज पे आईडी करो, और उसके बाद नहीं तो आपको कोर्ट जाके बहुत जद्दोजहद होगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, और आपने कोई वकील से डिस्कस किया है कि मेरा नाम अगर नहीं चढ़ेगा तो बहुत जद्दोजहद होता? तो मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए और आपके एडवोकेट के इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा जो सबूत होता है वो होता है हमारा निकाहनामा। मुस्लिम लोगों का होता है निकाहनामा, और उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट बोला जाता है इसको। तो ये हमारे मुस्लिम का निकाहनामा है, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट डालूंगी, आप देख लीजिए कि सबसे बड़ा नाम ये है। और दूसरी बात, आपने बोला कि पहले आप सायरा अयूब शेख बनो, मैं हमेशा सायरा सत्तानी अयूब शेख बताती हूँ अपना नाम, क्योंकि मेरा सत्तानी नाम जो है ना अखे दुनिया जानती है, और मैं अपना नाम कभी नहीं खोने दूंगी। अंडरस्टैंड, सुन लीजिए, ये रहा आपका पहले सवाल का जवाब। और दूसरा सवाल ये है कि आप पहले अयूब शेख कभी बन नहीं सके, और आप हो सायरा सत्तानी, तो आप सायरा सत्तानी के साथ ही तो 3 साल से मैरिज एनिवर्सरी बना रहे हो, है ना? और उसके उसका अगर आप मेरे चैनल्स पे जाओगे, ज्यादा दूर नहीं है, 2 या 3 महीने पहले मिस्टर एंड मिसेस सत्तानी एनिवर्सरी ये लिखा गया था। तो तब आप कहाँ थे? अयूब शेख यहीं थे ना? हाँ यहीं थे, राइट राइट। और आप मुझे कमजोर मत समझो, औरत को कमजोर मत समझो आप, ठीक है? और अभी मैं ब्लॉग करने के काफी देर पहले ही ब्लॉगिंग करने वाली थी, क्योंकि मैं जस्ट काम से बाहर फ्री होके आई, तो मैंने इनको बोला कल का ब्लॉग मुझे करना है, बिकॉज अब मैं अपनी लाइफ जीना चाहती, जो सायरा सत्तानी बिंदास ड्रेसिंग स्टाइल, बिंदास अपने काम में जुटना, बिंदास कहीं भी खाने में रुकना, कहीं भी बाइक चलाते हुए आपको दिखना, वो सायरा सत्तानी थी। और आपको दुनिया के सामने, ये तो मैं सीना ठोक के बोलती हूँ कि दुनिया के सामने लाने वाली सायरा सत्तानी है, और सायरा सत्तानी ही रहेगी चाहे आप ला। और अभी मैंने आपका एक ब्लॉग देखा, वेरी गुड, योर ब्लॉगर, आई एम हैप्पी, बिकॉज आपने अच्छी ब्लॉगिंग की, ओनली ब्लॉगिंग की। आप सच्चाई नहीं पकड़ पाए, क्योंकि आपके अंदर वो फितरत है नहीं। अब सीना ठोक के बोलती हूँ आपको कि आपने क्या बोला, मैं मिलने जा रहा हूँ। अब भैया जरा फोन कर दो, मैं यहाँ वेट करूँ, कैमरे के सामने कैप्चर हो रहा था सब बातें। लोगों को पता है कि ब्लॉगिंग किस तरीके से की जाती है और सच्चाई कहाँ होती है, अंडरस्टैंड? तो ये रहा आपका सच्चाई वाला। और मैंने लोगों से कभी नहीं छुपाई कि मैंने कल ही लोगों को बोला कि वो आए थे, मैं उनसे नहीं मिली,
और मुझे सामने देख के वो चले गए और उनके लड़के, बदतमीज लड़का जिसको सलाम करने के तहमीज नहीं है, और एहसान फरामोश आप और आपका लड़का, क्योंकि आपने मुझे भी लूटा, मेरे फ्रेंड को भी लूटा, तो आप तो हो ही एहसान फरामोश। और आज जो आज आप अपने आप को रंटाक शेख यहाँ खड़ा है, इस स्टाइल में कपड़े पहनते हो, ये दिखाते हो, वो दिखाते हो, साहिरा सत्तानी के पैसे तो लगे हैं ना, और उसके उसके साथ साथ साहिरा सत्तानी के दोस्त के भी पैसे लगे हैं। और मैं उसको दोस्त ही बोलूंगी, क्योंकि वो अक्कल बिगड़ की उसे बात करना नहीं आता है। अगर आता होता तो ये चीटर आदमी को पैसे नहीं देती, मैं तो दे दी, बिकॉज मैं मेरा हस्बैंड समझती थी, मैं तो प्यार करती थी। आज भी उसकी कहीं ना कहीं मीठी यादें थी जो मैं गई थी, और मैंने कभी खुल के आप लोगों के सामने उसके लिए बदतमीजी नहीं की, और इंशाल्लाह नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया नहीं। आपके माँ बाप ने सिखाया ना लोगों को खिलाना पिलाना, आपके माँ बाप ने ये सिखाया कि सबको खिलाओ और पिलाओ, ये नहीं सिखाया कि आपकी वाइफ को कोई 500 रुपए में किसी गैर मर्द के साथ में, बहुत मैं बोल भी नहीं पाऊंगी वो बात। तो आपके माँ बाप ये नहीं सिखाया कि अपनी औरत की इज्जत करना सबसे पहला सीखो, ठीक है? और आप ना लाख ना बोलो तो भी ये गवाह है निकाह नामा कि मैं आपकी वाइफ हूँ, अंडरस्टैंड? आपने क्या बोला कि आजकल ब्लॉग में सायरा अयूब शेख, अयूब शेख, अयूब शेख, अयूब शेख का नाम इसलिए लेती हो ना क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उसको अपने दिल में जगह रखी हूँ। ये अलग बात है कि मैं जो चीज मेरी 15 तारीख को आंखों ने देखा, थू छी, बस अब मैं गुस्सा नहीं होंगी, और ऐसे भी मैं गुस्सा होती भी नहीं हूं, तो काफी है ये बातें। और दूसरी बात, आप ब्लॉगिंग करने गए थे, आप तो बहुत सच्चे इंसान हो, एकदम समझदार हो, और देन अब भोले हो, भोले भोले, आपको कुछ भी नहीं पता, आपको कुछ नहीं आता है, ओनली ये बोलना आता है कि आप, मैं जितने मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स है उतने ही मैं यूट्यूब पे देखना चाहता हूँ, इतने भोले हो आप, है ना? और ब्लॉगिंग करने, ओनली ब्लॉगिंग करने गए थे ख्वाजादा ना, टोपी नहीं थी सर पर, आप तो सच्चे सच्चे ईमानदार मुस्लिम हो, और आप इतना अहमियत देते हो ख्वाजा दाना को, और आपकी दिलो जान आए दिन आपने बहुत सारी रील्स डाली है, और मुझे तो वहीं पे आपने विश्वास दिलाया था, और सर पे टोपी नहीं रखी, शर्म नहीं आई आपको कि ब्लॉगिंग करने भी गए हो तो एटलीस्ट सर पे टोपी रख लेते, इतनी बड़े दर पर खड़े थे आप, ठीक है? मैं आपकी बहुत सारी बातें, बारीकियां लोगों को दिखा सकती हूँ। और सुनिए, सायरा सत्तानी हवा में बात नहीं करती है, सायरा सत्तानी हर चीज का प्रूफ लेके बात करती है। और आपने कल क्या बोला, छी गरीब नवाज के दर पे कोई आपको क्या करेगा, जलील करेगा या बवाल करेगा? मैं आप लोगों को दो महीना पहले ये जो वहां थे ना सूरत में, तब की चैटिंग है, तो मैं ये चैटिंग आपको डाल रही हूँ कि ये बंदे ने मुझे क्या बोला था, पूरा गोल्डन ग्रुप लेके आके तुम्हारी क्या करूंगा मैं, अभी मुझे इतना याद नहीं है, पर वो चैटिंग है, मैं फुल चैटिंग आपको स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ, आप देख लीजिए कि ये आज ये बोलता है कि आपको मैं कहीं जलील करूंगा, ये 2 महीने पहले से मुझे टॉर्चर कर रहा है। तो आप सोचो, ये 2 महीना पहले वहां रह के, जब तक हम, इसने ब्लॉक नहीं किया, हमने ब्लॉक नहीं किया, एक्चुअली इसने मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लॉक किए थे, मैंने अपने फोन में ब्लॉक किया इनको, तो ये मुझे इतना इरिटेट कर सकते हैं, इतना मेंटली टॉर्चर कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि मैंने 3 साल कैसे निकाले। और आज भी मैं इनके नाम के साथ जाना चाहती हूँ, बिकॉज मैं अल्लाह की नज़र में अपनी जगह बनाना चाहती हूँ, ना कि इनके नज़र में, इनके नज़र में मुझे कोई जगह, जो इंसान 3 साल जिस औरत के साथ खाया पिया, उसकी उसके पैसों पे ऐश किया, उसके पैसों पे बिजनेस खड़ा किया, उसकी दोस्त को लूटा, उसकी जान, जो मेरे कलीग थे, जो मेरे पहचान वाले थे, उनसे लूटा, वो मेरा नहीं हो सका तो मैं क्या आपके मतलब नाम का फायदा उठा? और आपके पास है क्या आयु, आपसे मैं फायदा उठाने के लिए आपके पास है क्या? मैं खुले लफ्जों में आपको पूछ रही हूँ कि आपके पास है क्या? और दूसरी बात, आप लोगों को उल्लू बनाना छोड़ दो, क्योंकि मैं जो सूरत आई थी ना, बहुत कुछ काम से आई थी, और अपने पैसों का तगाजा मैंने, अच्छा मैं आप लोगों को व्यूज, आप लोगों को कभी ये बोली कि आप मुझे फॉलो करो, आप मुझे लाइक करो, आप मुझे शेयर करो? हाँ,
जब मैं अपना किचन ब्लॉग बनाती थी, अपनी मेहनत पे आपको बोली थी कि मुझे सब्सक्राइब किया करो, मेरा चैनल आगे बढ़ाओ, बट ये इशू, और कभी मैं अपना बिंदास बोल्ड वाला जब ब्लॉग बनाती मैंने कभी नहीं बोला आपको, और ये इशू को तो लेके कभी नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये इशू का अगर बोलूँ तो लोगों को ये लगेगा कि मैं मेरा चैनल ग्रो करना चाहती हूँ। मैं अपना चैनल ग्रो नहीं करना चाहती, मैं अपना चैनल अपनी मेहनत पर ग्रो करूँगी, और मुझे अपनी मेहनत पर बहुत विश्वास है। ये रहा दूसरी बात, और ये जो लाइव बैठ के बातें करते हैं, कल आपने मुझे देखा शादी में, मैं जो शादी में गई थी, ये शादी की बात, हाँ ये बात सच है कि मुझे 5 से 6 दिन पहले न्योता आया था शादी का, पर आप जान सकते हो कि जो शहर में मुझे इतनी तकलीफ है, जो शहर में तकलीफ देने वाला बैठा है, तो मेरी जगह आप एक औरत अपना, मेरी जगह आप अपने आप को रखकर सोचिए कि आप वहां जाना पसंद करोगे। मैं तो नहीं करूंगी, और मैंने वही फैसला किया था, लेकिन जब मैं रोई और गिड़गिड़ाई तो मुझे दिल में ये एहसास हुआ कि सायरा तू किससे भाग रही है, सायरा तू किससे भाग रही है, अपने आप से भाग रही है या फिर सच्चाई के सामना करने से भाग रही है। और फिर अमीन ने मुझे बताया कि मम्मी यही जिंदगी लेके आपको चलना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको इसका सामना जरूर करना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी कुछ बातें हुई हमारी, तो मैंने फैसला किया, और फिर मैंने बोला जब मैं जा ही रही हूं तो मैं क्यों नहीं जाऊं। आज मैं उनके बच्चे के फंक्शन में गई तो कल वो मेरे बच्चों के फंक्शन में भी तो आएंगे ना। और रहा दूसरी बात कि आपको सोशल मीडिया पर रहना है तो आप लोगों से जुड़ना चाहते हो, ऐसे लोगों से जो आपकी औरत को और आपको, इवन आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या थोड़ी भी? कैसे इंसान हो आप? अगर मैं गाली भी दे दूं, आपको मारूं भी ना, तो मैं आपकी बीवी हूं, वो मेरा हक है। पर गैरों ने जो आपकी बीवी को और आपको इतना 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 हद तक किया, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या थोड़ी भी? और अगर होती तो ये जो ब्लॉगिंग करने को आप निकल पड़े, आपको इतनी भी होश नहीं है कि दरगाह शरीफ में आपने सर पे टोपी तक नहीं रखी है, ठीक है? और जहां आप लाइव बात करते हो उसी के थोड़ी देर दरमियान पे वो फंक्शन चल रहा था, और इनकी जहां मैं पहले आपको सूरत में बताई थी कि मैं मेरे घर पर आई हूँ, तो इनकी फैमिली पहले वहां रहती थी, और मुझे देखो एग्जिट जगहों का नाम नहीं पता, मैं वहां नहीं जाती हूँ आए दिन, अब जाया करूंगी, अब जाऊंगी, क्योंकि मुझे वहां काम भी करना है और मेरे पैसे भी काफी सारे हैं वहां पे, तो मैं छोड़ूंगी तो नहीं इंशाल्लाह। और उसी के थोड़ी दूरी पे इनकी जो फैमिली रहती है, न्यू फैमिली, मतलब मैं न्यू फैमिली हूँ, न्यू घर, आई एम सॉरी, सॉरी जी, मैं न्यू फैमिली बोल रही हूँ, न्यू फैमिली तो हम है, आपकी जो पुरानी फैमिली, इज्जतदार फैमिली जो इंस्टाग्राम पे नहीं आना चाहती, और मैंने तो यही बात का उनका विश्वास करके आज तक भी उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, बट आप भी औरत हो, मैं भी औरत हूँ, मैंने तो कभी आपका घर तोड़ने की कोशिश नहीं की, पर आपने ये कैसे एक्सेप्ट कर लिया कि कोई फैसला नहीं हुआ और इनके साथ आप जुड़ गए, और इनके साथ में ताल्लुकात है आपके, तो है तो आप खुल के बोलो ना, क्योंकि आपके शौहर है, आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड है वो, तो इसमें छुपाने वाली क्या? जैसे मैं, इन्होंने लाख दुनिया के सामने कहा कि नाजायज वो रिश्ता, नाजायज है वो रिश्ता, असली नहीं है, तो भी आज तो भी मैं वो रिश्ते को लोगों के सामने दिखा रही हूँ कि नहीं ये रिश्ता नाजायज नहीं है। तो आपका तो 33 साल वाला रिश्ता है, आप छुपके क्यों करते हो? बिंदास रहो, मुझे नो प्रॉब्लम, मुझे कभी ना तब प्रॉब्लम थी ना अब प्रॉब्लम है, हाँ लेकिन ये है कि मैं आपका पीछा तो नहीं छोड़ूंगी, आई एम सॉरी, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी, वो इसलिए कि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। मेरी जैसी जो बहुत सारी औरतें हैं ना, जो ये सोचती है कि जाने दो आदमी घूम फिर के अब औरत के पास चला गया, अब हमारा नहीं होगा, नहीं हमको चाहिए भी नहीं ऐसा आदमी, विश्वासघात और छूटा आदमी और मक्कार आदमी हमको नहीं चाहिए, हमको सच्चा आदमी चाहिए, क्योंकि हमने, मेरे जैसी औरत जो सेकेंड हस्बैंड, मतलब सेकेंड हस्बैंड करती है और उनकी फैमिली एक होने के बाद वो, ऐसी बहुत सारी औरतों को आदमी लोग दिखाते हैं कि मेरी औरत बीमार है, मैं उनसे ताल्लुकात नहीं है, और मेरी औरत मुझे प्यार नहीं देती है, और मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, ये फलाना डिग्रा, ऐसे आदमी लोग बहुत सारे सवाल आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो ऐसे आदमी हमें चाहिए भी नहीं। मेरे पास क्या है, चीज की कमी, कुछ चीज की कमी नहीं थी, मैंने तो सिर्फ आपकी फिलोसफी वाली बातें जो आज लोगों को घुमा घुमा के आपने बोला। मैं अभी सूरत जाने के बाद यूट्यूब चैनल इस्टेब्लिश किया हूँ, इस्टेब्लिश तो आपने अभी किया, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि चैनल्स बनाना, वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना, सारा काम करता है अमीन। तो अमीन ने बनाया शॉर्ट्स वीडियो, एवरी टाइम आपके शॉर्ट्स वीडियो यूट्यूब पे रहते थे, अब वहां जाने के बाद क्या आपको सायरा सत्तानी का नाम यूज करने का मौका मिल गया?
राइट नाउ, तो आपने यूज किया और लोगों को गोल 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 घुमा के इमीडिएटली आपने सब्सक्राइब जमा कर लिए 10,000 आप बोल रहे हो, पर 11,000 अब समथिंग हो चुका है। और जो बच्चे सालों से मेहनत कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं और आए दिन हर ट्रेंडिंग पे वो अपने वीडियोस या ब्लॉग बनाते, वो तो बेचारे किनारे पे रह गए। क्यों? क्योंकि शायद उनके पास साइरस सत्तानी नाम नहीं था, है ना, और उनको साइरस सत्तानी का नाम यूज करना नहीं आया और उनको झूठी बातें बतानी नहीं आई, इसीलिए शायद वो ब्लॉगर और यूट्यूबर्स जो है वो पीछे रह गए। आप तो कुछ चाहते नहीं हो, आप ऐसी सोशल मीडिया पर टाइम पास कर रहे हो और लोगों को ऐसी, जो लोग आपको पसंद कर रहे हैं, जो लोग आपको प्यार कर रहे हैं, जो लोग आपके कोई भी कारण आपको देख रहे हैं, आप उनको कल क्या बोलते हो, बेवकूफ का उल्टा क्या होता है, जो लाइफ पे आप बोल रहे थे लोगों के, लोग वो है मुझे तो एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा है, बट आप जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, आप इनके इंस्टाग्राम के चैनल पे जाके वो एवरीडे का ब्लॉग लाइव वाला डालते हैं, तो आप उसमें वो वर्ड देख सकते हो कि बेवकूफ का उल्टा वर्ड उन्होंने कुछ यूज किया है, मुझे तो नहीं आता है वो वैसे यूज वर्ड यूज करना। और अब रहा दूसरी बात कि आपने क्या बोला था कि लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, 7,06,000 लोग मुझे फॉलो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बुरी नजर से बचाए। ये जो लोग मुझे पसंद करते ना, ये उनकी आंखों में कुछ दिखता है सच्चाई, और मैं कभी झूठ का सहारा लूंगी भी नहीं, और इंशाल्लाह आप खुद दुआ कीजिए कि मैं कभी लूं भी नहीं, और मैं झूठ कभी बोलती नहीं। और 3 साल जब मेरे पैसे से आपको हर ऐशो आराम मिला, मेरे पैसे से आपको बिजनेस मिला, मेरे पैसे से आपको आपकी वो फैमिली का सुख मिला, अंडरस्टैंड नाउ ना, यस, आप समझो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अभी भी मैं आपको बहुत इज्जत की आड़ में बात कर रही हूँ, और जब भी मैं बात करती हूँ ये समझ लिए कि हर चीज़ का प्रूफ होता है मेरे पास। और आपने फिर क्या बोला कि हाँ, ये बात पे आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया कि वो मेरे से मिलने नहीं आए थे, वो फंक्शन अटेंड करने आए थे। मैं कभी आपको कल के व्लॉग में ये क्लियर की कि मैं अय्यूब से मिलने जा रही हूँ, मेरा एक काम है, मैं उसके लिए जा रही हूँ, मेरा एक काम है, मैं उसके लिए जा रही हूँ, मैंने यही बातें आप लोगों के साथ शेयर की। और हकीकत में मैंने गई थी, मैं अपने पैसों का तकाजा करने और दूसरी कुछ बातें थी वो भी करने, फिर अल्लाह बोलते हैं ना कि जब आप सच्चाई पे चल पड़ते हो तो अल्लाह एक्स्ट्रा आपको दिखाता है, तो वहां जाके ये पता चला कि ये इनकी फैमिली के साथ जुड़ चुके हैं, इनके ताल्लुकात जुड़ चुके हैं, इनकी ताल्लुकात अच्छे खासे हो चुके हैं। और मैंने ऐसे अंदाजे में परसों बोली थी कि शायद मुझे पता है कि आप एक हो, लेकिन कोई ये ऐसा कोई इशू है जो क्लियर होगा तो शायद आप लोग एक साथ दिखोगे, पर शायद नहीं, आप एक ही हो, ठीक है। और इंशाल्लाह कभी अगर ऐसा मौका रहा तो इंशाल्लाह, आप बोलते हो ना लाइफ 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 लाइफ, तो मेरे पास भी है और एक नहीं दो दो है, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। और यूट्यूब का आपको पता है, जब हम लाइव आते हैं ना तो हमको उसको व्लॉग बनाने की जरूरत नहीं होती, यूट्यूब खुद उसको व्लॉग बना के हमारे चैनल पे अपलोड कर देता है। तो इंशाल्लाह जब भी आऊंगी तो मैं लाइव, डोंट वरी एंड बी हैप्पी, टेंशन मत लो आप, ठीक है। और दूसरी बात, आप सब चीज शेयर करते हो, ये चीज क्यों नहीं शेयर करते हो कि भाई हमारे पैसे भी तो लिए आपने? क्योंकि मैं जब तक बोलना पसंद नहीं करती थी, जब तक मैं आपको दिलो जान से अपना शौहर समझती थी और मेरे शौहर की इज्जत कभी रोड पे लाना नहीं चाहती थी, शौहर तो आज भी हो मेरे आप, लेकिन आज आपने मेरी इज्जत नहीं रखी। जो एक औरत की इज्जत नहीं रख सकते तो फिर कुछ तो हक आपका भी बनता है ना ये चीज झेलने में। तो अब मैंने देखो, जब मेरे दोस्त ने पैसे का तकाजा किया, अगर उनके अंदर सच्चाई रहेगी मेरी दोस्त के अंदर, तो वो ये जरूर बोलेगी कि मैंने कभी इनकार नहीं किया उनके पैसों से, बल्कि उनकी बात पे भरोसा करके आपके साथ में मैंने आर्ग्यूमेंट किया था। अगर आपके अंदर सच्चाई होगी तो आप जरूर बोलोगी, और नहीं बोलो तो कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं आपको दोस्त नहीं मानती हूँ। अगर मेरे पर आप कुछ भी करते हैं, आई एम एग्री, क्योंकि अय्यूब के साथ मैं जुड़ी हूँ और अय्यूब के मतलब जैसे कि निकाह में हूँ तो उसकी गुनहगार आदि मैं भी बनती हूँ, उसकी अच्छाई में भी आदि मैं बनती हूँ, तो हो सकता है कि वो गुनाह जो उन्होंने किया तो आपको ये लगता है कि आदि गुनहगार मैं हूँ,
तो वो आपका सोच है, लेकिन आपने जो मेरे आपने मुझे जब मेरी दोस्त थी आपने क्या बोला कि मैं जानती हूँ तू दो बच्चों को कैसे बड़ा की, और तू क्या ये इस पे विश्वास करती, तू पहले अपने बच्चों का फ्यूचर देख, आपने ये मुझे सजेस्ट किया था। और मैं बहुत इज्जत करती हूँ कुछ बातें जो आपने मेरे से बहुत सारी की थी और मेरे जहन में वो बातें हैं, लेकिन जो आपने मेरे बच्चे को लेके किया ना, इसलिए मैं आपको अभी अपना दोस्त तो कभी मानती नहीं हूँ। आपने बहुत गंदे वर्ड्स यूज किए मेरे लिए, बहुत गंदी बातें की। ठीक है ना कि इंसान के साथ 15 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और मैंने आपके पर हमेशा भरोसा किया। इवन ये सब होने के बाद भी आपने मेरे पर कहीं ना कहीं भरोसा रखा था। जब आपने सूरत 1 लाख रुपए भेजना था आपको, तो आपने सबसे पहला मुझे ही कांटेक्ट किया था कि सायरा ये वो जो तू फ्लैट बोल रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन के लिए मैं 1 लाख रुपए देती हूँ तो तू ले ले। तो मैंने क्या बोली, मैं क्या करूंगी लेकर, एक काम कर तू ऑनलाइन भेज ताकि तेरे पास प्रूफ रहेगा। तो आपने 1 लाख रुपए ऑनलाइन सूरत भेजे थे, और मैंने आपको क्या बोला था कि मैं तेरे साथ चलूंगी, रजिस्टरी करवाऊंगी और तेरा फ्लैट का लॉक इन की कर चाबी तुझे दिलाऊंगी और तेरा ये मैटर सारा सॉल्व करूंगी। ठीक है, मैंने आपसे ये बातें की थी। अगर आप सच्चे आप बोलते हो ना कि आप झूठ नहीं बोलते, मैं भी मानती हूँ क्योंकि आप है ना सच ही बोलते हो, लेकिन आपको प्रेजेंट करना नहीं आता है कुछ बातें, और कुछ बातें आप थोड़ा घुमा के करते हो। ये मेरे दोस्त को बोल रही हो, या ये मेरे हस्बैंड को नहीं बोल रही, ये मेरे दोस्त को। तो इंशाल्लाह जिंदगी में भी आपको कभी ये चीज को लेके कभी जरूरत पड़ी और जहां लगा कि सायरा की जरूरत है, सायरा आधी रात को आपके लिए खड़ी है, क्योंकि आप तो बोल के दुनिया के सामने अपना दिल हल्का कर लेते हो कि मेरा 15 लाख चला गया। मैं तो बोल भी नहीं सकती हूँ यार, क्या करूं, लेकिन लोग समझते हैं। और आज मैं रोऊंगी नहीं, और इंशाल्लाह आज मैं आज के बाद कभी आपका नाम भी नहीं लूंगी। आपको ये लगता है कि आपका नाम लेके मेरा ब्लॉग चला रही हूँ, इंशाल्लाह आज से आपका नाम भी नहीं लूंगी, यू डोंट वरी। और बाकी आपने क्या बोला कि मैं डायरेक्ट सूरत जाने वाली थी, नहीं, मैं आपको मेरे टिकट का स्क्रीनशॉट भी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं हर चीज प्रूफ के साथ बात करती हूँ, मैं हवा में बात नहीं करती हूँ और हवा में ब्लॉगिंग नहीं बनाने जाती हूँ। मैं सब सोच, मैं सच में मैं आई एम ए एजुकेटेड वुमन, और मैं बहुत सोच समझ के सब बातें करती हूँ, क्योंकि मैं जो सोशल मीडिया पे आज मैं जो इतनी फेमस हूँ, आज लोग मुझे मेरी बात को गौर से सुनते हैं, तवज्जो देते हैं, मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि आप सच्चाई सामने पेश करो, ना कि झूठ। तो मैं अगर सच्चाई पेश करूं और खुदा ना खासा कोई बंदा आके मुझे पूछ ले कि आप बड़े बड़े स्टाइल से आपने ये बोल तो दिया, तो आपका इसका सबूत क्या है? मेरे पास हर चीज का सबूत रहता, तभी मैं वो बात करती हूँ। मैं टिकट का स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ आपको, मेरी टिकट थी अजमेर टू बॉम्बे, और खुदा ना खास्ता कभी ऐसी कभी कोई बात हो और इंशाल्लाह अगले महीना कभी व्लॉगिंग होगा, हम जाएंगे और जो मेरे किन्नर दोस्त लोग थे मेरे साथ, कभी ना कभी डिस्कस होगी तो मैं आपको वर्ड से बता दूंगी। ठीक है, ये रही दूसरी बात कि आप बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे कि मुझसे मिलने नहीं आए। हाँ, मैंने किसी को नहीं बोला कि मैं आपसे मिलने नहीं आपसे मिलने आ रही हूँ। मैंने जो मेरी आंखों से देखा, जो मेरे कानों से सुना है, कोई भी औरत, मेरी जगह कोई भी औरत हो, वो नहीं चाहेगी कि ऐसे आदमी से मिले, लेकिन अगर उसके अंदर अल्लाह का डर है, उसके दिल के अंदर अल्लाह का डर है, खौफ है, तो वो कभी ये जो 3 वर्ड आप देने को बहुत बेचैन हो, वो कभी लेना भी नहीं चाहेगी। क्योंकि देखो, मैं कल भी आपकी कमाई से नहीं जीती थी और आज भी मैं अपनी अपने आपकी कमाई से नहीं जीती हूँ, तो मुझे आपका नाम की जरूरत कहाँ पड़ती है? बस मैंने जो प्यार से आपके साथ रिश्ता जोड़ी थी और जो मोहब्बत से रिश्ता जोड़ी थी, और हाँ, अपने बुढ़ापे का, जो मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी तो बुढ़ापे में मैं अकेली हो जाऊंगी, तो उस वक्त के साथ के लिए जो मेरा शौहर मेरे साथ होगा, उस वक्त का मेरा इन्वेस्टमेंट था ये, जो मेरा वक्त था, मेरा पैसा था, और मेरी मोहब्बत तो मैंने सच्ची की हूँ आपसे, मैं रियल में सच में मोहब्बत करती हूँ आपसे। तो ये सब काफी वीडियोज में भी मैंने सुना कि ये आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट था या समथिंग था, नहीं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये बात होती है दिलों की, और दिलों में मोहब्बत अल्लाह ने इतना कूट कूट के भरा है कि उसकी कोई उम्र नहीं होती है, और जिसने सच्ची मोहब्बत कर ली ना, बस वो ये हाल होता है ये। और वहाँ काफी सारे मेरे जो ब्लॉगर लोग हैं, तो आपसे मैं हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ कि मैंने आपको अप्रिशिएट किया और आपके लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ, और जिंदगी में हमेशा मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि मैं आई एम अ खुद ब्लॉगर,
मैं खुद जानती हूँ कि ब्लॉगिंग करना कितना मुश्किल है और उसके लिए कितनी मेहनत लगती है, कितना माइंड को सेट करना पड़ता है, कितनी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है, कितने सारे मैसेज को जो हमारे हेटर्स डालते हैं और इतने गंदे तरीके से डालते हैं, हमको उसको इग्नोर करके आपके सामने एक अच्छी सूरत और अच्छी जबान लेके प्रेजेंटिंग करना पड़ता है। तो मैं बहुत आप लोगों के अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि मैं जो चीज जो आप फील्ड में हो वही फील्ड में मैं भी हूँ, लेकिन मैंने आपको अप्रिशिएट किया क्योंकि आपने जो सच्चाई बताई या जो भी झूठ बताया जो भी बताया, लेकिन उसमें आपकी ऑनेस्टी थी, जो आपकी नजरों ने देखा वो सवाल के ऊपर आपने अपना ब्लॉग बनाया, इसीलिए मैं आपको अप्रिशिएट करती थी। आज के बाद ये इनको ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों से संपत्ति मतलब इमोशनली कोई चीज चाहती हूँ, तो आई एम वेरी सॉरी। मैं अपनी लड़ाई अकेले लड़ना जानती हूँ और अकेले लड़ रही हूँ। ये बहुत मतलब आप लोगों का शुक्र गुजार हूँ मैं कि आप लोगों ने मेरी लड़ाई में, भले आप अपने चैनल पे ब्लॉगिंग के लिए किए जो भी किए, बट आप लोगों ने ऑनेस्टी से सब काम किए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज के बाद मैं आप लोगों का नाम तो नहीं लूंगी, पर आपके कनेक्ट हमेशा आपके साथ कनेक्ट में रहूंगी, आपके ब्लॉग हमेशा मैं देखा करूंगी और अप्रिशिएट करूंगी कि आप अपने काम के लिए इतने मतलब जद्दोजहद से आप अपना काम कर रहे हो, और अल्लाह से दुआ करूंगी कि जो कामयाबी अल्लाह ने मुझे दी है वही कामयाबी आप सबको अता करे, क्योंकि आप ये सब चीज के लिए ही कर रहे हो और अपने कुछ अर्निंग के लिए भी कर रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो चैनल्स अर्निंग करते हैं ताकि उनके घर के जो खर्चे है, जो घर के जरूरत है जो, वो पूरी हो सके। तो अल्लाह और गरीब नवाज से मैं दुआ करती हूँ कि आपके चैनल ग्रो करे और इंशाल्लाह आपको आपके महीने की जो भी अर्निंग हो और आपके घर में मदद मिले, मैं अल्लाह पाक से और गरीब नवाज से आपके हक में जरूर दुआ करूंगी और मैं हमेशा करती हूँ इंशाल्लाह। और बहुत सारी बातें सोची थी यार, भूल गई याद नहीं आ रहा, पर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बहुत सारी बातें थी लेकिन जो भी मुझे याद आया मैंने किया। और मेरे ब्लॉगर लोगों को स्पेशली मेरे तरफ से मैसेज है कि आप अपने काम को ऐसे ही करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैंने कभी सोचकर काम नहीं किया था लेकिन अल्लाह ने कामयाबी दी। क्यों? क्योंकि मैंने सोच के काम नहीं किया था, बस काम को 100% दिया था। तो आप भी इसी तरीके से अपना काम कीजिए और आपको जो ठीक लगता आप वही कीजिए, ऑनेस्टी से कीजिए, क्लियरिंग कीजिए, तो अल्लाह आपको भी कामयाबी देगा और आपके चैनल को भी ग्रोथ ज़रूर होगा। और ऐसे घुमा फिरा के ग्रोथ करने का कोई मतलब नहीं है, वो चार दिन की चांदनी होती फिर वही अंधेरी रात होती है। तो इंशाल्लाह चलिए, मैं अभी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, फिलहाल अगर कुछ याद आएगा तो ऐड करूंगी, नहीं तो एंड करना चाहती हूँ। और इंशाल्लाह कल से हम अपना नाम से यूज करेंगे, हम किसी का नाम यूज नहीं करते, हमको जरूरत भी नहीं है किसी के नाम की। हाँ लेकिन आप मेरे निकाह वाले हस्बैंड हो, याद रखना, और मैं कभी भी आपके आपके गिरेबान में हाथ डाल सकती हूँ, क्योंकि औरत तो औरत ही होती है, आपको सरेआम भी बोल सकती है और रूम में भी बोल सकती है, तो वो दोनों हक मेरे पास है। और आपके जो एडवोकेट ने आपसे जो डिस्कस किया था उनको समझाइए कि दुनिया में सबसे बड़ा प्रूफ होता है निकाहनामा और मैरिज सर्टिफिकेट, वो है मेरे पास। और इंशाल्लाह इसके बाद, और आप मेरे नाम का व्लॉग में यूज मत कीजिए, हाँ आप अपने नाम से चलाइए, अय्यूब रंटाक शेख आपका नाम है ये, और मेरा नाम है सायरा सत्तानी अय्यूब शेख, ये मेरा नाम है, अंडरस्टैंड। आज मैं थोड़ा सा मूड में बोल रही हूँ इसीलिए थोड़ा सा डोंट वेरी। और आज मैं आपको बताऊं, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, आज मैं हुक्का भी पीऊंगी, सच में मैं आज हुक्का पीऊंगी और शायद आज रील भी डालू हुक्के की, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि बहुत जल्दी मेरा पैसा भी वापस आएगा। और मेरी दोस्त आप देखते हो, मुझे पता है मेरा ब्लॉग, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह पाक से और गरीब नवाज से मैं खास आपके ये दुआ कर आई हूँ कि आपकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो और जल्दी आप अपने पैसे के लिए खड़े हो और आपको मेरी जहां भी जरूरत लगी बिंदास आवाज दीजिए, मैं आ जाऊंगी आपके लिए, और वही आपका पैसा भी निकल जाए मेरा पैसा भी निकल जाए, तो इंशाल्लाह वो दोनों पैसे से हम थोड़ी खैरात करेंगे। अल्लाह हाफिज।